तो दीपक, नाइट्राइट की एक ऑटो 1 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको दीपक नाइट्राइट के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम भले ही क्वार्टरली बेसिस पर बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पर अगर हम कंपनी के नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर्स कंपनी के अच्छे नहीं आए हैं। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे 9% हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1768 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर अराउंड 36% हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 149 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई हमें रिकवरी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ना देखने को नहीं मिल रही है। और एक तरीके से देखा जाए ये क्वार्टर भी कंपनी के लिए बैड ही रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी अराउंड 14% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो यहाँ पे हमें अराउंड 36% से हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आई है। यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो केमिकल कंपनीज हैं इनके नंबर इतने खास अच्छे, अभी बाकी कंपनीज की भी अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे नहीं आ रहे। और जो मार्जिन की यानी कि जो आने वाले टाइम पे जो कंपनीज की यानी कि जो मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइड वगैरह हमको देखने को मिल रहा है तो वो भी अगर हम देखेंगे तो एक लोअर साइड का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमें मैनेजमेंट की से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे जहाँ पे काफी अच्छा यूफोरिया में पिछले 1-2 साल पहले देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रैशनलिटी हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री के अंदर आती हुई नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न मेरे ख्याल से कोविड से पहले ये कंपनी ने दिए थे और कोविड के बाद में भी लगभग 1 साल तक मेरे ख्याल से ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से यहाँ पे ये स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। और अगर हम ऑल टाइम हाई से भी अगर हम बात करेंगे तो अभी अराउंड 30 से 35% ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ पे मार्केट अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई भी चल रहा है वहाँ पर ये कंपनी नीचे ट्रेड हो रही है, तो उसके पीछे का सीधा रीजन यहाँ पे कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसकी वजह से हमें यहाँ पे कंपनी नीचे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पूरी कंपनी का लगभग आई थिंक 25 से 30% की जो होल्डिंग है मेरे ख्याल से पब्लिक के पास में यहाँ पे दीपक नाइट्राइट की। तो देखिए, जब भी मैंने देखा है कि पब्लिक के पास में जब इतनी ज्यादा होल्डिंग हो जाती है तो वहां पे ये पक्का हो जाता है कि वहां पे पी रेशियो कंपनी का काफी ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपको माइंड में रखने के चलना चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 700 से 800 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है, तो ऐसे लेवल पे केमिकल इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से 25 से 30% की ग्रोथ दिखाना ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे इस लेवल पे भी कंपनी आ चुकी है। अगर हम रेवेन्यू के नंबर की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी करती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 10-12% की लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी कर सकती है। और उसके अलावा 15-20% की लगभग का ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म माइंड से इन्वेस्टेड आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चमत्कार रिटर्न्स आपने एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके का बेस इफेक्ट यहाँ पे कंपनी का बन चुका है तो वहां पर मुझे लगता है एक फिनोमिनल ग्रोथ दिखाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। और ये नंबर से देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे स्टॉक 10 से 15% अगर मेरे ख्याल से अगर गिर जाता है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन अगर 3-4% का फॉल अगर रहता है तो मेरे ख्याल से वो रहेगा कि मार्केट को पता है कि वहाँ पे बैड नंबर्स आने वाले, तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ करेक्शन वो मेरे ख्याल से वहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि दीपक नाइट्राइट के जो Q1 के जो नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।